मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो थीम है हमारा साथ बहुत ही अच्छा थीम चुना गया है, जैसा कि पीछे आप लोग लिखा हुआ भी देख सकते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। बहुत ही अच्छा थीम है ये, और ये वास्तविकता भी है। मैं इससे पहले भी यही चर्चा कर रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि हर पर्यावरण दिवस के दिन ही पेड़ लगाने की जो है परंपरा को शुरू किया जाए या पेड़ लगाया जाए। हम हर दिन एक ऐसा इनिशिएटिव ला सकते हैं, क्योंकि समय की मांग यही है कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों। क्योंकि हम सब फैक्ट्स जानने के बावजूद, सारी सच्चाई हमारे सामने है, उसके बावजूद हम इग्नोर किए जा रहे हैं। सब कोई कहता है सेव वाटर, सेव ट्रीज, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अब जो है, हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आप सिंपली घर में कुछ भी काम करते हो, जहाँ पर भी नल वगैरह लगे होते हैं, तो मैं देखता हूँ अक्सर कि किताबों में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से यही पढ़ाया जाता है कि हमें पानी बचाना चाहिए, नल खुले नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते करते शायद ऐसा हमें कभी महसूस ही नहीं होता। हमको लगता ही नहीं कि ये लगता है बस कि अन्य के साथ ही होने वाला है, हमारे साथ ये नहीं होने वाला कि हमको कोई पानी की किल्लत कभी नहीं होगी। कभी जाकर देखिए शहरों में सीमित पानी मिलता है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो है सिर्फ सीमित 50 लीटर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति मिलता है, उसी पर सबको काम, उसी से काम चलाना होता है। और इससे भी बड़े बड़े जगह यदि चले जाइए, मान लीजिए इराक ईरान की बात कर ले हम लोग, तो वहां पर नहाने और कपड़े धोने की दूर वहां पीने के पानी को किल्लत होता है, वहां पर तेल के भाव में पानी मिलता है। सोचिए यदि वो हमारे साथ होने लगे, यहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या हम उस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं? नहीं ना, हमें अभी से ही वो इनिशिएटिव जो है लाना होगा, वो इनिशिएटिव को शुरू करना होगा, तभी जाकर हम कुछ नया बदलाव ला पाएंगे। अचानक से कुछ नहीं बदलेगा, और ये कभी नहीं हुआ है। इसीलिए जहां तक बात है, और चूंकि जो खास मौका है, मैं तो यहाँ पर पर्यावरण के विषय में बोलने लगा, और चूंकि आज सुबह से मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि जो है आज हमारे संस्थान का जो है तीसरा साल पूरा होता है, सफल कह सकते हैं, चूंकि अक्सर बनाव और आपसी तालमेल बहुत कुछ मायने रखता है, और बच्चों और शिक्षकों के बीच का संबंध सब कुछ जो है उसी से एक संस्थान चलता है, और वहाँ पर की पढ़ाई कैसी है और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। और अनुशासन सबसे पहली बात, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि शिक्षा से सर्वोपरि होता है हमारा अनुशासन। यदि हम अनुशासित नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। यदि एक अनुशासित तौर पर हम काम कर रहे हैं अपने जीवन में, हम अनुशासन पहले हमेशा उसको प्राथमिकता देते हैं। कारण यही है, क्योंकि हम कोई भी काम यदि अनुशासित होकर करते हैं तभी जाकर हमें सफलता मिलती है। बहुत ही ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप अनुशासित नहीं है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, वे अलग बात है कि 0.01% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ढंग से काम करके भी वो सफल हो जाते हैं, वो अपवाद होते हैं। लेकिन ये अनुशासित रहते हुए किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को करना, ये आपको सफलता में कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट, जिसको कहते हैं साइंस में, आप लोग उत्प्रेरक शब्द सुने होंगे, एंजाइम जैसे होता है खाना पचाने में कैसे उत्प्रेरक का काम करता है, उसी तरह अनुशासन हमारी सफलता में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यानी आपकी सफलता की रफ्तार को और बढ़ा देता है। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद साइंस के बच्चे हैं, आप लोग साइंस की सभी बातों को जानते हैं, बस जरूरत है तो उसे इंप्लाई करने की, उसको लागू करने की, और उसको आज ही से उस पर काम करने की। जो भी काम करें, छोटे छोटे काम करें, लेकिन करें जरूर। कहा जाता है बहुत सारी चीजें ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर सारी बातें नहीं की जा सकती। तो धन्यवाद आप सभी।